नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के अपने चैनल मेटफोटेक में। दोस्तों, अगर इस फेस्टिव सीजन में अगर आप डिसाइड करना चाह रहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आपको एक वॉशिंग मशीन चाहिए जो कि सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन हो और आपका बजट करीब 12,000 से नीचे है, तो आपके लिए आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही बेहतरीन वॉशिंग मशीन आपको सजेस्ट करने वाला हूं जो कि सैमसंग की तरफ से आती है और आपके बिल्कुल बजट में होगी। तो उसका मैं रिव्यू भी आपको दूंगा और मैं बताना चाहूंगा कि यह वॉशिंग मशीन पिछले 5 सालों से मैं भी अपने घर में यूज कर रहा हूं, इसके फीचर और फंक्शन क्या है सब कुछ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है और आपकी हेल्प होती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए जान लेते हैं सैमसंग की तरफ से आने वाली सैमसंग 7.0 केजी 5 स्टार सेमी ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं सैमसंग की तरफ से आने वाली 7.0 केजी 5 स्टार सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के बारे में। इसमें क्या कुछ खास आपको फीचर देखने को मिल जाते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें वो फीचर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है पावर कंजप्शन का। अगर आप यहाँ पर एक बजट वॉशिंग मशीन ले रहे हैं तो इसके अंदर आप ये भी उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी की भी कम खपत हो, तो यहाँ पर अच्छी बात यह है कि इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको 5 स्टार रेटिंग देखने को मिल जाती है, यानी कि बहुत ही कम बिजली की खपत आपको यहाँ पर देखने को इसकी वजह से मिल जाएगी। तो अच्छी बात यह है कि बिजली भी ज्यादा यहाँ पर खर्च नहीं होगी जब आप इस वॉशिंग मशीन का यूज करेंगे अपने कपड़े धोने के लिए। इसमें आपको एक फीचर और मिल जाता है, धुलाई के वक्त बहुत काम आता है और इस फीचर का नाम है डबल स्टोन फीचर। इसके अंदर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यह मिल जाता है कि यहां पर जब आप क्लॉथ यहां धुलेंगे तो यह क्लॉथ की जो वॉशिंग पावर को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर देता है इस मशीन में, और डबल स्टोन सिस्टम के थ्रू आपको जो है कॉन्स्टेंटली वेरिएबल पावरफुल वाटर वेव देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से आपके कपड़े बहुत ही नीट और क्लीन साफ होते हैं। तो यह सबसे अच्छी बात यह कि इसमें जो क्लॉथ के मूवमेंट होते हैं वो जो है चेंज होते रहते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके का इफेक्ट देखने में आता है जिस तरह से हम हाथ से कपड़े धुलते हैं और बहुत ही अच्छे से साफ होते हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको इस सिस्टम के अंदर मिल जाती है, जिसको हम डबल स्टोन सिस्टम कह देते हैं। उसके अलावा यहां पर एक चीज और आपको देखने को मिल जाती है, कई बार ये होता है वॉशिंग मशीन में हम जो कपड़े अपने धोते हैं तो उसमें से निकलने वाली गंदगी, खासतौर से अगर वूलन वाले कपड़े धोते हैं तो उसमें से बहुत से रेशे देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी ये होता है कि हम अपने जो है जींस या पैंट की जेब में जो है कागज वगैरह डाल के भूल जाते हैं, कपड़े वहां पर डाल देते हैं धुलने के लिए वॉशिंग मशीन में, तो वो सब भी निकल आते हैं। तो इसके अंदर मैजिक फिल्टर आपको देखने को मिल जाएगा इसके कॉर्नर में, तो ये जितनी भी गंदगी आपके कपड़े से निकलेगी, जितना भी लिंट आपके कपड़े से देखने को मिल जाता है निकलते हुए, वो सारा सारा इस मैजिक फिल्टर में जाके फंस जाता है। तो आप जब वॉशिंग कर ले, आपके कपड़े जब साफ हो जाए, उसके बाद फिर आप उस मैजिक फिल्टर को निकालेंगे तो उसमें बहुत से कचरा आपको देखने को मिलेगा, उसको आप निकाल के मैजिक फिल्टर को साफ भी कर सकते हैं। और उसके साथ बेनिफिट ये हो जाएगा कि आपका पानी भी गंदा नहीं होगा और आपके कपड़े में से निकलने वाली गंदगी वापस उस कपड़े में नहीं जाएगी। तो ये एक मैजिक फिल्टर का भी फंक्शन इसमें आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहां पर आपको एक और एक फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि खासतौर से वेदर ऐसा हो जो रेनिंग वेदर होता है उसमें बहुत काम आता है, और साथ ही साथ आपके सर्दियों के मौसम में जब बहुत ओस होती है एनवायरनमेंट के अंदर, कपड़े नहीं सूख पाते ठंड के मौसम में, तो वहां पे काम आता है। और इस फीचर का नाम यहां पे है एयर टर्बो ड्राइंग सिस्टम। तो एयर टर्बो ड्राइंग सिस्टम आपको वॉशिंग मशीन में मिल जाता है। इसका फायदा यह है कि जब आप कपड़े धुल लेते हैं, धुलने के तुरंत बाद अगर आप अपने कपड़े को यहां पर एयर टर्बो ड्राइंग सिस्टम के अंदर डाल के ड्राई करते हैं तो इसमें जितना भी पानी होता है वो सब आपका निकल आता है। यहां पर आपको जो है इसके अंदर मोटर जो लगी होती है, जब कपड़े उसमें डालते हैं तो बहुत तेजी से स्पिन करती है, तो जितने भी उसमें फालतू के जो पानी होता है वो सब भी निकल जाता है और कपड़े काफी हद तक ड्राई भी हो जाते हैं। अगर आपको यहाँ पर जो है कपड़े सुखाने होते हैं ऐसे सिचुएशन में, जहां पे रेन हो, जहां पर ओस वगैरह हो, मतलब नमी हो, तो यहाँ पर आपका ये फंक्शन बहुत ही वर्क करता है। तो आप यहाँ पर कपड़े धुलने के साथ कपड़े सुखा भी सकते हैं और प्रेस करके आप उसको पहन भी सकते हैं, तो मतलब बहुत ज्यादा लॉन्ग टाइम नहीं लगेगा आपके कपड़ों को सूखने के लिए। तो यहाँ पर एयर टर्बो ड्राइंग सिस्टम आपकी बहुत हेल्प करेगा। ऐसी भी कोई कंडीशन होती है, अगर आपके घर में चूहे वगैरह आने की समस्या है, दिक्कत हो, तो ऐसे में रैट प्रोटेक्शन की बहुत जरूरत होती है कि आपकी वॉशिंग मशीन के इंटरनल पार्ट्स खराब ना हो, क्योंकि कई बार चूहे जो है वॉशिंग मशीन के नीचे से जाके अपना घर बना लेते हैं वहां पर और आपके वॉशिंग मशीन के इंटरनल पार्ट्स को काट वगैरह देते हैं, तो बहुत ही नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे आपको रैट प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगा, जिससे वॉशिंग मशीन आपकी सेफ रहेगी, उसके वायर वगैरह भी चूहे काट नहीं पाएंगे। कभी कभी ये होता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह अपनी वॉशिंग मशीन को शिफ्ट करना पड़ता है, खिसकाना पड़ता है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर कैस्टर व्हील का बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाता है। आप इजीली अपनी वॉशिंग मशीन को इधर से उधर मूव भी कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। ये भी एक फीचर इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें एक चीज और भी आपको मिलती है, इसमें ऑटो रिस्टार्ट का भी आपको नॉब देखने को मिल जाता है। जैसे वॉशिंग मशीन आपकी चल रही हो और पावर कट हो जाए, पावर बंद हो जाए, तो ऐसे में वहीं से आपका जो है ये वॉशिंग मशीन रिस्टार्ट होगा, जहां से आपकी धुलाई करते करते पावर जाने के बाद धुलाई बंद हुई थी, तो इसका भी आपको एक बेनिफिट मिल जाता है ऑटो रिस्टार्ट के फीचर की वजह से। उसके अलावा इसकी जो बॉडी है वो रस्ट प्रूफ है, यानी कि इस बॉडी में आपको जंग नहीं देखने को मिलेगा, पानी से काम होता है इस वॉशिंग मशीन के अंदर, तो वॉशिंग मशीन में जंग वगैरह नहीं लगेगी, जिससे आपकी वॉशिंग मशीन की बॉडी खराब नहीं होगी। और उसके बाद यहां
पर एक बजर का भी ऑप्शन है, मतलब एक फीचर इसमें ऐड है। जब आपकी धुलाई कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट धुलाई होने के बाद यहाँ पे आपकी मशीन जो है बजर सिस्टम की वजह से बजर जनरेट करेगी, एक आवाज जनरेट करेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी यहाँ पर धुलाई कंप्लीट हो चुकी है, आप अपने कपड़ों को अब निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे इसमें आपको फीचर और फंक्शन देखने को मिल जाते हैं, और ये आपकी सेमी ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन आपको बेस्ट क्वालिटी की वॉशिंग देखने को इसमें मिल जाएगी। और यहाँ पर 2 ईयर्स की आपको कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भी आपको इसमें देखने को मिल जाती है इस प्रोडक्ट के ऊपर, उसके अलावा 5 ईयर्स वारंटी आपको यहाँ पर मोटर पे देखने को मिल जाती है। और इसकी जो मोटर है बहुत ही पावरफुल है, 1300 RPM पर ये चलती है और बहुत ही हायर स्पिन पे ये घूमती है। इससे आपकी जो है वॉशिंग मशीन से धुले हुए कपड़े जब आप ड्राइंग करते हैं, मतलब उसको सुखाने के लिए आप ड्रायर में डालते हैं, तो बहुत तेजी से आपके कपड़े सूख भी पाते हैं। तो इतने सारे फीचर वाली ये वॉशिंग मशीन कितने की है, इसमें कितने पैसे आपको डालने पड़ेंगे इस वॉशिंग मशीन को खरीदने के लिए, और मैंने कहा था ये बजट वॉशिंग मशीन है, अगर आपका 12,000 से कम का बजट है तो आप इसको खरीद सकते हैं। तो आप इस वॉशिंग मशीन को अमेजोन से खरीद सकते हैं मात्र 10,490 रुपए में। जी हाँ, 10,490 रुपए में सैमसंग की आपको यहां पर 7.0 kg की 5-star रेटिंग वाली सेमी ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन मिल सकती है। तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वॉशिंग मशीन मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, और मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं कि वॉशिंग मशीन मेरे घर में भी लास्ट 5 ईयर्स से और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं आई है। मैं भी आपको आगे दिखाने वाला हूं उसका क्या क्या इसमें फीचर, क्या क्या फंक्शन है जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं यहां पे क्या फीचर और क्या फंक्शन है इस वॉशिंग मशीन के। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि पिछले पांच साल से हमारे पास वही वॉशिंग मशीन है जिसके बारे में अभी मैंने वीडियो में आपको बताया, तो यही आपके सामने ये वॉशिंग मशीन है। 5 साल से यूज कर रहे हैं तो आप इसकी हालत देख सकते हो क्या है, लेकिन अभी भी बहुत ही बेहतरीन वर्क कर रही है। इसमें आपको देखिए वॉशिंग टाइमर देखने को मिल जाता है इस वॉशिंग मशीन के अंदर, वॉश्ड सेलेक्टर भी आपको देखने को मिल जाता है, ड्रेन सेलेक्टर भी देखने को मिल जाता है, और स्पिन टाइमर भी देखने को आपको इस वॉशिंग मशीन के अंदर मिल जाता है। 7.2 kg की वॉशिंग मशीन है, और अभी आपको मैंने जिसके बारे में बताया वो यहाँ पर 7 kg की भी, अलग अलग वॉशिंग कैपेसिटी के साथ ये वॉशिंग मशीन अवेलेबल है, उसके हिसाब से इसका प्राइस भी कम ज्यादा होता रहता है। अब इसके अंदर देखें बात करें, अभी थोड़ी सी वॉशिंग मशीन हमारी गंदी है क्योंकि यूज में रहती है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं ओवरऑल आपको इस तरीके से यहाँ पर डबल मूवमेंट करने वाली मोटर देखने को मिल जाती है, और उसके साथ ही आप यहाँ पर जिस मैं आपको फिल्टर की बात कर रहा था वो यहाँ पर लगा हुआ है। अभी थोड़ा सा जाम है क्योंकि इसका यूज बहुत लंबे समय से हो रहा है, फिर भी मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। जब आप कपड़े धुलेंगे तो इसी में आगे सारी गंदगी यहाँ पे अटक जाएगी, और आप इसको अगर साफ करना चाहेंगे तो आप बस सिंपली इस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पर गंदगी देख सकते हैं आप, हमारे अंदर डॉगी घर में पला हुआ है तो कपड़े में चिपक जाते कभी कभी उसके बाद, तो इस तरह से इसको आप साफ कर सकते हैं और वापस यहीं पर आप इसको फिक्स कर सकते हैं। कपड़े आप जब धुल लेंगे तो कपड़े धुलने के बाद आप यहाँ पर सीधे जो है आप कपड़े को स्पिन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने कपड़े डालिए और कपड़े आपके सारे सारे सूख जाएंगे, यहाँ से वाटर आता है। इस तरीके से प्रोटेक्शन के लिए भी यहाँ पर जो है आपको एक कैप और ढक्कन देखने को मिल जाता है, और आप नीचे साइड में आके देख सकते हैं तो यहाँ पर आपकी जो बिल्कुल डस्ट प्रूफ आपको बॉडी देखने को मिल जाती है, किसी प्रकार की जंग यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आउटर पे है, उजल जरा ऊपर दिखाइए, अगर बारिश होती है तो यहाँ पर पानी पड़ता रहता है, लेकिन देखिए किसी भी तरह की कोई भी यहाँ पर जंग आपको लगी हुई इस मशीन में दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर वाटर सप्लाई के लिए आप पाइप यहाँ पर लगा सकते हैं, और वाटर सिलेक्टर है, आप स्पिन करते समय अगर इस करेंगे तो इधर वाला जो आपका ऑप्शन है यहाँ पे वाटर आएगा, और इधर करेंगे तो ये वॉश का ऑप्शन है, यहाँ पर पानी इस वाले आपके बकेट पे जाएगा जब आप कपड़े धुलेंगे। बैक साइड में अगर आप आ जाएं तो बैक साइड में आप देख सकते हैं जैसा कि पीछे इस तरीके से आपका कुछ यहाँ पे सेटअप देखने को मिल जाता है वायर के लिए, तो यहाँ पर बिल्कुल भी चूहे नहीं जा सकते, आपका वायर वगैरह सब यहाँ पर सेफ रहेगा। और उसके अलावा ये वॉशिंग मशीन बहुत हल्की है, इसके नीचे पहिए भी लगे हुए हैं, आप अपने हिसाब से इसको खिसा भी सकते हैं, साइड में आप इसको पकड़ सकते हैं, अपने हिसाब से इसको मूव करा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी हल्की है। तो ये कुल मिला के वॉशिंग मशीन है आपका, जो कि आपका सैमसंग की तरफ से आती है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया आपके बजट में, तो आप इसको जरूर परचेज कर सकते हैं। हम 5 साल से यूज कर रहे हैं, हमें कोई डिफिकल्टी नहीं आई, तो आपको भी जरूर नहीं आएगी। उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर आप लेना चाहते हैं वॉशिंग मशीन तो आप जरूर इसको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर सैमसंग की ये वॉशिंग मशीन आपको अच्छी लगी, अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आपको मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड करा दिया, वहां से जाकर आप परचेज कर सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन उसका मिल सके। तो चलिए आप मुझे आज के इस वीडियो में इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलते, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।